तुम भी लूटो हम भी लूटें लूटने की आज़ादी है उनकी लूट को कोई न जाने जिनके देह पर खादी है जी हाँ दोस्तों मैं आर डी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान हम और आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों जूझ रहे हैं हो सकता है आप अपने गांव में जूझ रहे हों और मैं देश के कोने कोने में घूमकर जूझ रहा हूं। लेकिन हम दोनों एक जैसे ही हैं फ़र्क इतना है कि हमारे पास माइक और कैमरा है आप जो है अपने गांव में नारे लगाते हैं अपने मोहल्ले में नारे लगाते हैं नारे हम दोनों लगाते हैं लेकिन लूटता कोई और है आज आपको बता दूं कि जहां पे मैं खड़ा हूं पूरे 20 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ रेलवे लाइन भी नहीं है अगर हमें कहीं निकलना होगा तो 20 किलोमीटर छोटी मोटी गाड़ी से जाएंगे गर्मी प्रचंड है और जेब में पैसे नहीं हैं कहीं से कोई आर्थिक सहायता भी नहीं मिल पा रही है और फिर भी हम ओपेनियन जानने के लिए दौड़ लगाए जा रहे हैं चलिए ये तो हमारी और आपकी बात हुई सरकारें अपनी सरकार बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है मध्य प्रदेश सरकार यानी कमलनाथ की सरकार अपनी सरकार बचाने के लिए सपा और बसपा विधायक को मंत्री बनाएगी निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाएगी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दो तीन मंत्री बनाने से पूरी सरकार बच जाती है तो क्यों नहीं बनाया जाए अपने कोटे के यानी कांग्रेस के कोटे के दो तीन मंत्रियों को घटा दो पूरी की पूरी सरकार बच जाएगी और मुख्यमंत्री अपना रहेगा और यही सारा कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार में चल रहा है आप में से बहुत सारे भाई कहते हैं कि बहन मायावती जी से संपर्क नहीं हो पाता आपको पता है कि जो मेरा पेटीएम नंबर है वही मेरा डायरेक्ट नंबर है और मैं आपके फोन को खुद उठाता हूँ लेकिन आप में से ही कुछ भाई हमसे कल का न्यूज भी पूछने लग जाते हैं पूरी पार्टी की गतिविधि पूछने लग जाते हैं जबकि सरकारें बदल जाती है एक रात में कल क्या न्यूज बनेगा ये हमें भी नहीं पता होता है और लोग पूछते हैं खाते पीते उठते बैठते कोई टाइमिंग नहीं होता है फोन घुमाने वाले घुमा देते हैं तो मैं भी स्विच ऑफ कर लेता हूँ और व्हाट्सएप नंबर भी वही है तो मैसेज पढ़ के और समझ जाता हूं किसने क्या कहा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ज़्यादा फ्रीडम हो जाए या हम ज़्यादा इजिली एवेलेबल हो जाएं तो लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं और यही हाल होता होगा बहन मायावती जी के साथ और इसलिए वो रिजर्व रहती हैं वह जितने भी चुने हुए नेता हैं उनसे मिलती हैं सबसे बड़ी बात है कि आप सोचिए एक व्यक्ति एक दिन में कितने लोगों को अटेंड कर सकता है दस बीस पचास सौ लेकिन संख्या तो लाखों और करोड़ों में है क्या हर किसी को खुश किया जा सकता है आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ हम आपके लिए रोज की अपडेट्स लेकर आते रहेंगे और आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दिया कीजिए अगर आप में से कुछ भाई मुझे आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी करें क्योंकि फंसा हुआ हूँ कहीं दूर देहात में खड़ा हूं इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं जो मेरे अपने हैं तो आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय भीम जय भारत